आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन एंड मशरूम सॉस। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हमने चिकन लिया है 3 lb, मशरूम्स 200 ग्राम्स जिसे मैंने बारीक काट लिया है, मिल्क 1 ग्लास, 1 कैन मशरूम सूप ये मैंने कैन लिया है, आप चाहें तो घर में फ्रेश सूप बना कर वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये 1 कप ग्रीन चीज़, इटालियन सीजनिंग ली है जिसमें मैंने ये चिली फ्लेक्स मिला दिए हैं, पेपर एंड सॉल्ट। अब हम सॉस बनाएंगे, उसके लिए ये जो हमारा मशरूम सूप है उसे हम एक बाउल में डालेंगे। अब इसमें हम क्रीम चीज ऐड करेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका हमें एक पतला सा बैटर चाहिए, इसे अच्छे से मिक्स करें जैसे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। मुझे थोड़ी पतली चाहिए इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क और डाल रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यह हमारा मशरूम सूप का मिक्सर रेडी है। ये मैंने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है बाइट साइज में। अब हम इसमें ये जो मशरूम सूप का मिक्सचर बनाया था 2 से 3 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हम चिकन को इसके अंदर मैरिनेट करके छोड़ देंगे। बाकी के मिक्सचर को हम एक तरफ रख देंगे। अब ये मैंने स्लो कुकर लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसके अंदर ऑयल की कोटिंग करूँगी ताकि जो हम चिकन इसमें डालें वो इसके अंदर चिपके नहीं। ये मैंने चिकन जो मैरिनेट करा था वो मैंने इसमें डाला है। ये जो मिक्सचर हमने बनाया था सूप का वो इसमें डाल दिया मैंने। थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग इसमें डालूंगी। ये मशरूम मैंने बटर के साथ इसे पकाया है ताकि मशरूम का जो पानी है सारा सूख जाए। इसे अच्छे से पका लिया है मैंने। अब ये हम मशरूम्स ये चारों तरफ फैला कर इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग और डालेंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको कितना फ्लेवर चाहिए इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर भी डालूंगी, दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए हाई मोड पे करके पकाऊंगी। तकरीबन 2 घंटे के बाद मैं इसे एक बार चेक कर रही हूँ कि हमारा चिकन पका है या नहीं। नहीं, हमारा चिकन नहीं पका है अभी। इसे थोड़ी सी और ज़रूरत है, ग्रेवी भी थिक नहीं हुई है। मैं इसे कोई 1 घंटा और रखूँगी। यह हमारा चिकन रेडी है, देखिए ग्रेवी भी थिक हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया बारीक काट कर डालूँगी, गार्निश करूँगी उससे। हमारा चिकन एंड मशरूम सॉस रेडी है। आप इसे गार्लिक ब्रेड एंड सॉटेड वेजिटेबल्स के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।